हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। अज दा साडा प्रोजैक्ट आ जी इंजन दा ऑयल चेंज करना, ते उहदे वास्ते आ फ्यूल फिल्टर आ जी सामने, ये चेंज करना। ते इहदे वास्ते जिद्दां जिहड़ी टर्बो दी ट्यूब हुंदी आ राह दे विच आउंदी आ, जिहड़ी कि मैं ऑलरेडी हटा दित्ती आ। किसी भी गड्डी दा ऑयल चेंज करना बहुत सौखा जी, थले ड्रेन प्लग हुंदा वा, उत्तों उहनूं खोल के ते सारा ऑयल ड्रेन कर लो, ते फ्यूल फिल्टर चेंज करना हुंदा आ। आ ऑयल फिल्टर आ जी, आ अपना पार्ट नंबर आ, ते आ तेल आ जी, ते कोई 12 लीटर तेल पैंदा जी इहदे च। हाँ जी जी, ते आ ड्रेन प्लग हुंदा जी, बहुत सिंपल आ भी, इहनूं बस खोलो ते थले मेक श्योर करना कि भी तुसीं काफ़ी वड्डा कंटेनर रखो, तां कि जिन्ना भी तेल निकलना आ सारा एक दे विच ही आ जाए, ते किते होर इधर उधर ना डुले। ते इहनूं लगना जी 17 mm दी गोटी, ते खोलदे हां जी आपां, काफ़ी टाइट आ। हाँ जी, तो जदों तुसीं ड्रेन प्लग खोलता है तो उन्हूं ड्रेन होल आंदो, तो इत्थे आ के तुसीं अपना ऑयल फिल्टर खोल सकते हैं। तो ऑयल फिल्टर जदों खोली तां वा तो थोड़ा कि जिदा तेल जा निकलता हुंदा वा, तो पहला ही मेक श्योर कर लो भी तुसीं थले कोई चीज़ रखी है, जेकर कोई इधर उधर डुलदा आ तेल उहदे वास्ते, जां तुसीं बाद च उहनूं साफ कर सकदे आ, तुहाडे ते आ जी। तो फिल्टर खोलण वास्ते जिहड़ा रेंच उह यूज़ कर रहे आपां, एक बार जदों लूज हो जाता फिर तो तुसीं आराम नाल हाथ नाल भी घुमा सकते हैं। नवे फिल्टर नूं पहला ही तेल नाल भर लेना चाहिए जी। हाँ जी, तो तेल दे नाल भर के तो जिहड़ी सील आ उहदे ते वी उत्ते एक बार पूरा तेल जां इदां ला देना चाहिए, फिर नाइसली थोड़ा वधिया सील हो जाता। तो आओ जी हुण पा दिंदे जी। हाँ जी, तो फिल्टर वापस पा दो जी। हाँ जी, फिल्टर नूं बाहर टाइट करन दी लोड़ नहीं हुंदी, बस उन्ना क टाइट कर दो कि भी हाथ दे नाल जिन्ना क टाइट हो सकता वा उन्ना क टाइट कर दो। तो दो क दिन बाद तुसीं फिर तो चैक कर सकते हैं, जेकर इत्थे लीक लभदी आ तुहानूं तो तुसीं उहनूं होर टाइट कर सकते हैं, बट यूजली नहीं हुंदी। सो जिन्ना क हाथ दे नाल टाइट हुंदा आ उन्ना क तुसीं कर सकते हैं। हाँ जी, तो हुण थलों जिहड़ा ड्रेन प्लग हुंदा उह बंद कर देना वा, तो फिर तुसीं उत्ते आ के तेल पा सकते हैं। तो भी हुण जिद्दां मैनूं तां पता ही आ भी इहदे विच 12 लीटर तेल पैणा आ, जिहड़ियां कि 2.5 कैनियां बननियां आ, बट तुसीं ਜਦੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਸ਼ੋਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਓਇਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਜੀ ਓਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਰਾਜ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ।